आज ही DoubtNet ऐप डाउनलोड करें DoubtNet पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कॉलीफ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ईटेबल है एडिबल है जिसे हम कंज्यूम करते हैं चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं मीजोकाप कॉटिलिडन्स एंडोस्पर्म्स एंड इनफ्लोरिसेंस। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम कॉलीफ्लावर के ऊपर का जो वाइट हेड होता है वो कंज्यूम करते हैं तो जो उसकी अपीयरेंस होती है वो चीज़ कर लाइक जैसी होती है या फिर फ्लैशी वाइट होती है तो जो उसकी अपीयरेंस की वजह से उसे कभी कभी कर्ड भी कहते हैं तो अब ये तो हमें पता है कि हम उसके ऊपर का वाइट हेड कंज्यूम करते हैं लेकिन जो उसके ऊपर का जो वाइट हेड होता है वो बना किससे होता है तो जो कॉलीफ्लावर के ऊपर के वाइट हेड यानी कि वो उसकी जो कर्ड होती है वो बनी होती है वाइट इन्फ्लोरिसेंस मेरिस्टम से यानी कि जो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट हुआ वो हुई उसकी वाइट इन्फ्लोरिसेंस मेरिस्टन कॉलीफ्लावर और ब्रोकली में बस ये फर्क है कि जो ब्रोकली होती है उसकी जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो एडिबल होती हैं लेकिन कॉलीफ्लावर में उसकी वाइट इन्फ्लोरिसेंस मैरिस्टम और कॉलीफ्लावर में जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप होती है वो होती है कंपाउंड रेसिमोस तो हमें ऑप्शन दिया गया था मीज़ो लेकिन कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट मीज़ो नहीं होता सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता कॉटिलिडन्स भी कॉलीफ्लावर के एडिबल नहीं होते एंडोस्कम भी नहीं तो जो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट है वो है उस, उस क्योंकि उसके फ्लावर बर्ड्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं इसलिए उसका व्हाइट हेड बना होता है से और इसीलिए उसका एडिबल पार्ट होता है एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज इट्स इनफ्लोरिस ही मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर